ऐसे ऐसे फेंक देगी तो 10-20 करोड़ के चश्मे। हाँ 10-20 करोड़ और कुछ। चले सो गाइस, फिलहाल आपको बता ही देते हैं कि हम इतनी सारी जो शॉपिंग हो रही हैं वो किस चक्कर में हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि फिलहाल हमारा जो है इंडिया छोड़ने का टाइम आ चुका है। हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। वैसे दिल तो नहीं कर रहा हमारी प्यारी सी कंट्री को छोड़ के जाने का, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। सो फिलहाल हम जा रहे हैं अब्रॉड। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं बताएंगे हम। हमारी जो फ्लाइट है वो है कब है, 15 तारीख की है। 1:40 की हमारी फ्लाइट है 15 तारीख की। बस आप आगे आने वाले ब्लॉग्स पे बने रहना, आपको पता चलता रहेगा हम क्या कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और क्या क्या आगे करना है हमने। मेन बात तो फिलहाल यही है कि हम फिलहाल जो है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो यही सारी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे चलो बताएंगे, व्लॉग बनाएंगे, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। जो भी अपने काम कार थे सारे ख़त्म करने थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी करने वाली। फिलहाल अभी तो शॉपिंगों का दौर जो है शुरू हुआ है, अभी हमने शॉपिंग करनी शुरू की है आज से। हाँ आज हमने फर्स्ट अपने सन ग्लासेस वगैरह तो ले ली हैं। प्रिंस मुझे इतने दिन से बोल रहे कि ना पैकिंग कर ले। मैं क्या पैकिंग का ही चीज के करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो कुछ खरीदा ही नहीं हमने। ये सूटकेस वगैरह तो हमने ले लिया है, बाकी अभी हम बहुत सारी शॉपिंग की हमारी लिस्ट बनी पड़ी है, काफी सारा सामान लेना है। तो साथ साथ लोग भी बनाते रहेंगे, डेली आपको अपडेट भी देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, वानी और कृतिका जो है फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठेंगे। आज से पहले कभी प्लेन में बैठे गरीब लोग। फिलहाल ये फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठेंगे। सो कैसी फीलिंग है कृतिका फिर? बढ़िया आ रही, बस अंदर से ना ऐसा पता नहीं अजीब से लग रहा है, मतलब गुदगुदी सी होती है सोच के जब। अरे तू शीशे वाली साइड से जब नीचे देखेगी ना, हाय 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 हाय, सारी दुनिया हमारे कदमों में। नीचे देखेगी, पहले तो हमारी बातें लोगों के सिर के ऊपर से जाती थी, अब हम भी लोगों के सिर के ऊपर से जाएंगे। वानी जो है मेरे को बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बात से कि वानी हमारी फर्स्ट टाइम जो है प्लेन में बैठेगी, तो कैसा फील करेगी, नए देश में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, कैसा फील करेगी ये। सो क्या जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ, बड़े बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं आगे। अब बस बने रहना हमारे व्लॉग्स पर, फिलहाल तो ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा पानीपत जाके। अभी पहुंच चुके हैं हम पानीपत के पास करनाल टोल टैक्स पे, और अभी टाइम हो रहा है 5:25 और वानी उठ चुकी है। वानी गुड मॉर्निंग। हेलो वानी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो गाइस यहां पे लगा हुआ है जाम तगड़े वाला। एक तो यार टोल टैक्स पे इधर खड़ना पड़ जाता है ना, ये तभी तो झगड़ा देखते। बिल्ली वाला हमारे पीछे पड़ गया। वानी को बिल्ली पसंद आई है, मैंने 300 रुपए बोल दिए कि ये बिल्ली बड़ी है, जब ये दे नहीं रहा बड़े वाली। हाँ फिर आ गया और बिल्ली हमने ले लिया है। वानी कैटी ले लिया आपने? कृतिका कहती भैया प्लीज दे दो, इसने 5-7 बार प्लीज प्लीज बोल के तरले किए। उसने दीदी वो कहता दीदी फ्री में ले जाओ तुम। वानी कैटी देखो कितनी क्यूट है, देखना बिल्कुल असली लग रही है। वानी तो पूरी खुश होगी। वानी एक बार स्माइल करके दिखा दो इधर। वानी ये कैटी, ये वाओ वाओ कितनी क्यूट लग रही है। वानी कितनी क्यूट लग रही है, तेरे जैसी क्यूट कैटी ले ली हमने। सो गाइस पहुंच तो गए हैं पानीपत, और पानीपत आती है ना मेरे को इरिटेशन सी होने लग जाती है, दिखाता हूँ आपको किस वजह। देखो गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा रश रहता है ना, पता नहीं मैं कह रहा हूँ बंदा बंदे पे रहता है हमेशा। ये देखो कहीं से भी बाइक वाले निकल के आ जाते हैं एकदम से, मतलब ये देखो कहीं से भी मुड़ जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, कुछ भी करते हैं लोग। ये देखो टेम्पो, देखो लांडा टेम्पो सनरूफ खोल के चला रहा है। देखो ये देखो हाल, देखो पानीपत के इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे, मतलब बाइकें ही बाइकें, कहीं से कोई भी निकल सकता है कभी भी, कोई भरोसा नहीं है। A few moments later. So guys, अभी 7 बजने वाले हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पानीपत और मिलिए द वन एंड ओनली हर्ष। हर्ष इसका आपने व्लॉग देखा था जो ट्रेंडिंग में गया था, 1 मिलियन व्यूज आए थे। 10 मिलियन आए थे, 1 मिलियन कम बोल रहे हैं। खलारा आया था, और मिलवाते हैं हम आपको मिनी हर्ष से। हर्ष ये देखो इसको कोरोना का ज्यादा खतरा है, मास्क लगाए घूमता है, पोटी में भी मास्क लगा के जाता है। ओए लड़के शक्ल तो दिखा दे, ये बंजारा बन के पता नहीं घूमता है, डंडा क्यों लेके घूमता है नाल, है वो बंजारा बॉय।
इधर दिखा रहा अपनी असली लुक दिखा रहा, तभी तो लड़कियां देखेंगी, ये देखो लेंस लूंस, लड़का बड़ा सुंदर है, एक ही बस गंदी आदत है प्याज खाता है। चलो हम जाके आ रहे हैं अभी, थोड़ा पानी पत की गलियां दिखा के लाए, दिखा दे शक्ल अच्छे से एक बार, मास्क उतार के दिखा ऐसे, क्या ये ऐसे नहीं मास्क उतार के, जलवा दिखा जलवा नजर लग जाए। अभी हम आए थे चश्मों में लेंस डलवाने के लिए, ये देखो पानीपत का हाल, बंदा बंदे पे, बंदा बंदी पे भाई, बंदा बंदी पे, बंदी बंदे पे भाई, सार्वजनिक व्लॉग बन रहा है ना। हाँ ये देखो गाइस, चेक आउट द ब्रांडेड शूज गाइस, गुच्ची अरमानी नाइकी सदा की। हम गए किधर जा रहे हैं हम, हैं टक्कर वाली। अच्छा हाँ, अभी हम जा रहे हैं अमन फैशन जोन पे, हम आए थे यहाँ पे अपने चश्मे बनवाने के लिए नज़र वाले, क्योंकि 15 तारीख को अपनी फ्लाइट है, फिर मुझे कपड़े भी लेने, देखते हैं यहाँ पे पसंद आते हैं कि नहीं अपने। मेरी बाइक तो देखिए, देखो ये हर्ष की बाइक है, बुलेट, चले चलो भाई, चलो जी, पता नहीं कितनी इसकी सीट पे घूम चुकी हैं अब तक। सही हाँ, इस बुलेट पे, स्पेशल बुलेट है, एंटिक जिसको कहते हैं ना, इसमें बैठने का मौका किसी किसी को मिलता है कि नहीं हर्ष? सही बात है, तरले कर करके बैठती हैं इस पे, चंडीगढ़ का चप्पा चप्पा छान रखा है इस बुलेट ने। चंडीगढ़ का पहाड़ों का दूर से देख के पहचान जाएंगे लड़कियां इस बुलेट को, ये तो वही बुलेट। नो बैड कमेंट्स गाइस, गलत बातें नहीं करना चाहते हम, जस्ट आपको एक सूचना दे रहे हैं, नथिंग मोर। अभी जितनी देर हमारे चश्मे बन रहे हैं उतनी देर हम सोच रहे हैं थोड़ा टफरी मार लें, बड़े दिन हो गए पानीपत की गलियों में आए हुए। याद है तेरे को हर्ष, यहाँ पे एक बार तेरी मैंने ओडी थी आर एट पे फोटो खींची थी, है ना, यहाँ पे खड़ी होती थी येलो कलर की, आज से कितने साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले अपने पास ओडी आर एट थी। उस टाइम पे उसके साथ फोटो होना भी बहुत बड़ी बात थी, है ना। अरे हमने रेंट पे दे रखी थी। हाँ वो तो ऐसे बांट बूट देते हैं हम चीजें, पैसा इतना क्या करेंगे, संभलता है नहीं है, हम शौकीन है, हम दिखावे के शौकीन नहीं है, हम रहना पसंद सिंपल सा। एक वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा दे, वो उधर वाला विला दिखा ना, विला अंसल वाला, छोड़ हाँ नजर लग जाती है, छोड़ क्या दिखा। वो ऐसे फिर लड़कियों की रिक्वेस्ट आ जाती है यार इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, पता इसी काम को बैठेगा हम, कितनी समझ नहीं जाती और यार इसी काम को थोड़ी बैठे हैं, पहले कम है क्या। सो गाइस अभी हम आपको कंटेंट पूरा देंगे, चाहे फुटेज की क्लियरिटी थोड़ी कम हो। अभी हम आ गए, कहाँ पे आ गए अभी हम, बॉयज मार्केट पानीपत, बॉयज मार्केट पानीपत, चेक आउट द ब्यूटी गाइस, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, टी शर्ट्स, यस यस आई नीड टी शर्ट, सैंडो एंड निकर्स, शॉर्ट्स। इसमें और भी कलर है, ये व्हाइट वाली निकलवाना है, निकाल दे, ये आज की जो आपको दिखाई है ठीक है, ये कलर साथ है, इसमें रेड कलर निकलवाना है, ठीक है, सही से ठीक है। हाँ ये सही एल है ना, सेम ही होंगे ना सारे, हाँ ठीक है सही से, लो भले सारी एल में दिखाई देता हूँ आपको, सही है। मैं कहीं मंगाते नहीं ना फुल बाजू का, नहीं हम तो बहुत मंगाते हैं, मेरे को शौक ज्यादा फुल बाजू का ही है। भाई बाहर जाने के लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग कर रहा है भाई साहब, ये सारी दुकानें लूट के लेके जाएगा। चेक आउट द टी शर्ट्स गाइस, जिदे उत्ते अमीरी लिखा वो पाई दा लेड़ा। इसके नीचे बड़ी और रेड वाली उस तरह ये क्या कर सकता है, स्क्विड गेम चल जाएगा इधर, दोस्त आते हो भैया? हां भाई YouTube चैनल है, नया सब्सक्राइबर अच्छा बना रहे हो। हां ये भाई बता ही नहीं रहा कौन से देश में जा रहे हैं, मैं घर चला जाऊंगा, ये पैदल आएगा आज। ऐसे उठा टी शर्ट है। तो गाइस अभी हो चुकी है हमारी तकड़े वाली शॉपिंग, है भाई की दुकान पे हैं, बहुत सही सही टी शर्टें लगी मुझे फुल बाजू टी शर्ट बड़ी पसंद है, तकड़े वाला बनेगा। पैसा लोगों ने कमाया होगा, सियारियां कमाईया। मेरा भाई आया नहीं मेरे साथ,
जल्लू सा बन के आया भाई बिल भरेगा भाई को किस लिए लेके आए हैं शॉप का नाम आपने हट नहीं किया हैं शॉप का नाम हट गया नहीं मेरे को पता ही नहीं शॉप का नाम डीके कलेक्शन दोबारा से बोलो डीके कलेक्शन भाई की दुकान है डीके कलेक्शन पानीपत में कौन सी जगह में पड़ती है अपनी इंसार बाजार में पानीपत हाँ मेरे को बड़ी सही सही लगी टी शर्ट है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी मुझे मैं तीन चार दुकानें घूम के आया हूँ झूठ नहीं बोलता पर सबसे बढ़िया लगी यहाँ पे ये लेट लेके आया यहाँ बढ़िया माल बाद में A few moments later. So guys, शॉपिंग कर ली हमने तकड़े वाली देखो कितने लग गए दो पेटियां लग गई अपनी शॉपिंग पे मतलब चॉइस ठीक है अपनी तगड़ी है ना सही ले लिया आज बढ़िया मिल गया मैं सोच रहा था मैं चंडीगढ़ मोहाली से लूंगा अब तो पानी पता आना पड़ेगा या कपड़े लेने आज ना हर्ष ने मेरा खर्चा बचवा दिया और ये देखो हमारे ना ये लोग चश्मे में उन्हें लेंस लगवा लिए हैं कैसे लग रहे हैं बढ़िया बढ़िया अगर ये कपड़े में वहाँ से लेने जाता ना मोहाली से कम भी मेरा मतलब लगा ले तो 14-15 हज़ार का बिल बनता और आज बस नू ही है फिर पानीपत पानीपत दिल लग गया अपना पानीपत में अभी यहीं से कपड़े लेके जाना है और भाई की दुकान बहुत बढ़िया थी मतलब पानीपत के जो भी अपने सब्सक्राइबर है ना जो अपने लोग देखते हैं वो पक्का एक बार विजिट करना और जब गए हुए हैं उनको तो पता ही होगा जो नहीं गए वो भी पक्का विजिट करना ये देखो अब आए हैं हम चिकन रोल खाने के लिए यहाँ पे प्रिंस ये तो अपनी दुकान है देखो के लिया पानीपत में आके दिल सा लग जाता है ना छोड़ के जाने के दिल नहीं करता पानीपत में प्रिंस एग रोल हमारी तो वैसे बड़ी आते हैं यहाँ पे चल्लड़ से कपड़े पा रखे हैं ऐसे ही ले आया ठा के भाई ना 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 बढ़िया लग रहा है हमारा बहुत बढ़िया लग रहा है टोंडा हमारा बड़ा जच जाता है हर एक चीज में देखो ऐसे थोड़ी ओपी एपिक बड़े जबरदस्त ऑसम चिकन रोल फुल्ली रिकमेंडेड प्रिंस चिकन रोल ये देख लो भाई जहाँ जहाँ अपना नाम है ना वो चीज खराब तो हो ही नहीं सकती लुक बढ़िया है भाई की बस करो पाना Thank you.